नवंबर 2020 के बाद अगर आपने वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आप वोटर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप जाना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन वोटर कार्ड को डाउनलोड करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ से रजिस्टर एस न्यू पे जाके यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर है तो रजिस्टर एस ए न्यू पर क्लिक करके यहाँ से आपको रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या कैप्चा इसमें डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ओटीपी सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। तो ओटीपी यहाँ पर देखिए आ चुका है। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक करूँगा। ओटीपी डाल के सिंपली यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ईपिक नंबर है तो यहाँ पे ईपिक नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म करेंगे ताकि ये कन्फर्म हो जाए और रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड, और पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म करेंगे यहाँ पर ताकि ये कन्फर्म हो जाए और यहाँ पर रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास अभी नहीं है ईपिक नंबर तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा और पासवर्ड को मैं दोबारा से कन्फर्म करूँगा ताकि मेरा जो पासवर्ड है वो कन्फर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं रजिस्टर वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, मतलब रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। और यहाँ पर देखिए आप लॉगिन हो चुके हैं। अब वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका ईपिक नंबर है। अगर आपके पास, अगर आप नवंबर 2020 के बाद अगर इस पर आप अप्लाई किए हैं न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए तो यहाँ पे ईपिक नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे जो भी स्टेट से है और यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वोटर आईडी आ जाएगा। या आप रेफरेंस नंबर के द्वारा भी आप जो है यहाँ रेफरेंस नंबर डालेंगे, आप जो इस पर वोटर आईडी के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो डालेंगे, स्टेट इसमें से चूज कर लेंगे जो भी स्टेट से है इस तरीके से और यहाँ सर्च वाले पे क्लिक तो आपके सामने वोटर आईडी आ जाएगा। मैं अभी नवंबर के बाद इस पे वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो यहां से मैं अभी डाउनलोड नहीं कर सकता हूं। तो ये फैसिलिटी नवंबर 2020 वालों के लिए है, जो नवंबर 2020 के बाद जो अप्लाई किए हैं वही यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो जैसे ही पूरी तरह से ये वैलिड हो जाएगा और सभी आदमी के लिए वैलिड हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ से वोटर आईडी डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ईपिक नंबर का डाल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको बता देगा कि नवंबर 2020 के बाद के वाले के लिए है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ईपिक नंबर डाल के और यहाँ पे स्टेट डाल के मैं यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा के आएगा कि नवंबर 2020 के बाद जो भी अप्लाई किए हैं वही यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक ईपिक नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ लिखा आ रहा है कि नवंबर 2020 के बाद जो अप्लाई किए हैं वही यहाँ से जो है वोटर आईडी डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है करेंटली ई ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्टर्स नियरली रजिस्टर आफ्टर नवंबर 2020 ड्यूरिंग SSR 2021। और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि ये फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, मतलब अभी ये फैसिलिटी है जल्द ही सभी के लिए लागू हो जाएगा। जब ये लागू हो जाएगा तो मैं यहाँ से आपको जो है वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नवंबर 2020 के बाद जो अप्लाई किया है वही यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो मैं अभी कोई ऐसा यहाँ से अप्लाई नहीं किया हूँ जिससे को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊँ। अगर आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
सो गाइज, आपने जाना कि किस तरीके से हम ऑनलाइन वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।